नमस्कार बच्चों, हम कंपोजिट फंक्शन पढ़ रहे थे। कंपोजिट फंक्शन में दो क्वेश्चन मैंने और लिखे हैं, देखिएगा आप। इस टाइप के मैं दो क्वेश्चन आपको करवा चुका था पिछले लेक्चर में। ये क्वेश्चन देखें, देखो क्या दिया हुआ है आपको। एफ एक्स दिया गया है जो आर प्लस से आर है, जी एक्स दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आर से आर। तब आपको इसका प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना है, किसका, फोक का और गोफ का। ये दोनों हम जानते हैं क्या। चलिए फोक से स्टार्ट करें। मैं ले लेता हूँ फोक, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को डिफाइन करते हैं बच्चे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपने एफ के अंदर एक्स की जगह क्या डाला होगा, जी एक्स। एफ के अंदर एक्स की जगह डाला होगा जी एक्स। तो सिंपली ये क्या बनेगा बच्चों, एल एन एफ के अंदर जी एक्स जाएगा, मतलब यहां पे ये होगा जी एक्स। और ये कैसा दिखेगा आपको, एल एन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये क्लियर हुआ क्या, ये क्लियर है। अब मुझे जब फोक का डोमेन पता करना होता है तो हम देखते हैं किसे, अंदर वाले फंक्शन को। जो अंदर वाला फंक्शन होगा ना, वो क्या होगा, एफ एक्स के डोमेन का सबसेट। ये एफ एक्स का डोमेन देखें आर प्लस, तो एफ के अंदर जो गया है मतलब ये वाला पार्ट, इसे कैसा होना पड़ेगा, रियल पॉजिटिव। मतलब मैं क्या लू, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज पॉजिटिव, ये होना पड़ेगा क्या। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जीरो से बड़ा हो, उसके लिए हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा है, एक्स कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो फाइनली यहां से मुझे पता लगा कि मेरा एक्स जो होगा ना वो कैसा होगा, वन को शामिल कर सकते हैं, वन से इनफाइनाइट। ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर है। एक्स मतलब फंक्शन का डोमेन पता लग गया आपको, क्लियर है। ये हो गया आपका डोमेन ऑफ फोग, किसका डोमेन हो गया, फोग का, क्लियर है। रेंज की बात करें, मैं रेंज की बात करूं, परिसर की, फोग की, रेंज की। अब देखिएगा आप, एक्स जो जा रहा है ना बच्चों इसके अंदर, वो वन से इनफाइनाइट जा रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मतलब ये हमें इंटीग्रल वैल्यू देगा। वन डालेंगे तो वन, वन से टू में फिर से वन, टू से थ्री में, टू को इंक्लूड, थ्री को इंक्लूड नहीं करेंगे, टू देगा। तो फाइनली आपको दिखेगा कि ये जो y आएगा ना बच्चों, ये कैसा आएगा, एल एन वन, एल एन टू, एल एन थ्री, ऐसा ही कुछ चलेगा क्या। ये फाइनली ये इसकी रेंज के पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट्स इसकी रेंज में दिखेंगे आपको, एल एन वन, लॉग वन, लॉग टू, लॉग थ्री, बेस हो गया आपका e, क्लियर है, ये समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, गोफ की। फोग आप निकाल चुके, अब आप बात करें गोफ की। गोफ को मैं डिफाइन करूंगा, तो गोफ के लिए आप क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये जी था, इसके अंदर एक्स की जगह क्या जाएगा, एफ एक्स, क्लियर है। तो ये क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एल एन एक्स, ये क्लियर है बच्चों। अभी देखो इसका जो डोमेन था वो था रियल पॉजिटिव, मतलब यहां से आपको आइडिया लगा कि आपका जो लॉग एक्स होगा ना वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो सकता है। आप लॉग का ग्राफ जानते हैं क्या, ये ग्राफ होता है, उसके अंदर एक्स कैसा होता है, एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव, जीरो से, जीरो से बड़ा। तो फाइनली एक्स मतलब डोमेन क्या मिला आपको, ये जीरो से इनफाइनाइट, फंक्शन का डोमेन पता लग चुका है हमें। रेंज की जब बात होगी, रेंज की जब बात होगी, देखो लॉग एक्स कैसा था, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, सभी वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा है ये सभी वैल्यूज ले रहा है, तो मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होगा ना ये, इसके अंदर कोई भी रियल नंबर्स आप डाल रहे हैं, इसके अंदर रियल नंबर्स आप डाल रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें क्या देता है, इंटीग्रल वैल्यूज, पूर्णांक, पूर्णांक देता है क्या। तो यहां से y आपको मिलेगा इंटीजर, मतलब पूर्णांक, y के इंटीजर आंसर होंगे, माइनस नेगेटिव इंटीजर, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर, सारे इंटीजर इसके आंसर होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो क्वांटिटी जा रही है वो
वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? फटाफट से लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। लिखा, इधर साफ कर देता हूं। अब सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डोमेन और रेंज पता करना है। किसका? फोग एक्स का। इस बार फोग एक्स का पूछा गया है, सिर्फ। क्लियर है? तो फोग एक्स पहले डिफाइन करें, एफ ओ जी ओ एक्स। ये क्या हो जाएगा बच्चों, एफ के अंदर मतलब इसके अंदर ई की पावर एक्स में आपका जी एक्स जाएगा, मतलब ये क्या बनेगा, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। क्लियर है? जब आप डोमेन की बात कीजिएगा, जब आप डोमेन की बात करेंगे, तब आप किसे देखेंगे, अंदर वाला जो फंक्शन होगा ना वो कैसा होना चाहिए, रियल पॉजिटिव। मतलब ये जो चीजें हैं, मुझे सीधा सा पता है एफ के अंदर कैसी क्वांटिटीज जाएंगी, रियल पॉजिटिव, धनात्मक वास्तविक संख्या है। मतलब ये ई की पावर जो ऊपर बैठा हुआ है, ये ऊपर जो बैठा हुआ है, इसे कैसा होना पड़ेगा, ग्रेटर देन जीरो। इनइक्वालिटी बनी है असमी का, ये सॉल्व करना आता है क्या आपको, एक्स एक्स माइनस वन कैसा चाहिए, पॉजिटिव। नंबर लाइन पे क्या क्या बिठा दूं, जीरो और वन, प्लस माइनस प्लस, मुझे कैसा चाहिए, प्लस। तो फाइनली एक्स बिलोंग्स टू आपको क्या दिखा होगा, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन वन टू इन्फाइनाइट। ये क्लियर हुई बात बच्चों? अब देखें, हमें इसकी जब रेंज फाइंड करनी है, हमें इसकी जब रेंज की बात करनी है, तो रेंज के लिए आप देखें, ये फंक्शन है हमारा कंप्लीट, हमें ये चीज़ दिख रही है क्या यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कैसा होगा, जीरो से बड़ा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जीरो से बड़ा होगा। देखो, मतलब मैं ये जानता हूँ कि e की पावर जो x फंक्शन होता है ना, हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देता है। e की पावर x का ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा आता है, ऐसा आता है, मतलब ये कभी नेगेटिव तो जाता ही नहीं है, और इंक्रीजिंग होता है, हमेशा इंक्रीजिंग। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे, इसके अंदर जो इसका इनपुट है उसकी मिनिमम वैल्यू जीरो रखें, यहां पे मिनिमम e की पावर जीरो, e की पावर जीरो क्या हुआ, वन, जीरो शामिल नहीं था इसलिए मैंने वन को शामिल नहीं किया। और कहां तक चलेगा ये, इंक्रीज होगा तो इनफाइनाइट तक ये बढ़ता जाएगा। क्लियर है? रेंज भी आपको पता लगी, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं, हम लिखें इसे, आगे क्वेश्चन ले रहा हूं। आइए क्वेश्चन देखें। देखो, आपको दिया गया है एफ एक्स, ऐसा कुछ दिया हुआ है फंक्शन, जी एक्स ऐसा कुछ फंक्शन दिया हुआ है, तब आपको किसे डिफाइन करना है, फोक को डिफाइन करना है। देखो, जब हम फोक को डिफाइन करते थे, यहाँ ब्रांचेस दी हुई है फंक्शन की, ये ब्रांचेस दी हुई है, डायरेक्टली जो फंक्शन दिया हुआ था उस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यहाँ पे जब ब्रांचेस दी हुई है एफ की और जी की, तब आप फोक को डिफाइन कैसे करेंगे वो देखते हैं। क्लियर है? आ जाइए, इसे देखें। हमें पता है कि जब मुझे बच्चों फोक डिफाइन करना होता है, तो मैं एफ के अंदर एक्स की जगह जी डालता हूं। तो देखिए, इस एफ में जहां जहां भी आपको एक्स दिख रहा है वहां आप जी डाल दें, वन माइनस एक्स की जगह जी, ये देखें जीरो, एक्स की जगह जी डाला मैंने, ये टू। क्लियर है? नेक्स्ट, जी माइनस थ्री, टू, जी, और ये फोर। ऐसा कुछ मिला क्या आपको, ऐसा कुछ मिला क्या बच्चों, ये समझ में आई होगी बात आपको। अब ध्यान देने की बात है कि हमारे पास ये जो जी है ना, इसकी भी दो डेफिनेशन है, एक टू प्लस एक्स और एक टू माइनस एक्स। एक है टू प्लस एक्स और एक है टू माइनस एक्स। तो मैं दोनों का यूज करूंगा, दोनों को लेना पड़ेगा। क्लियर है क्या? ये दोनों चीजें लेनी पड़ेंगी। चले, अब जब आपको फोग आगे डिफाइन करना होगा, तब आप
इसकी ब्रांचेस बनाएंगे, चार बनेंगी, दो तो यहां थी, दो वहां से, दो वैल्यूज डालेंगे, इसकी दो ब्रांचेस निकलेंगी, दो ब्रांचेस इसकी होंगी, चार हो जाएंगी क्या बोल। देखें वन माइनस, देखें जब जी एक्स को मैंने टू प्लस एक्स लिया होगा, टू प्लस एक्स लिया होगा, क्लियर है, तब बच्चों एक्स कैसा था, देखें माइनस वन एक्स जीरो, सॉरी ऐसा ही है क्या। एंड इस डेफिनेशन के लिए आपका जी एक्स कैसा दिख रहा था, जी एक्स मीन्स क्या था, 2 प्लस एक्स, जी एक्स को 2 प्लस एक्स ले चुका हूं क्या मैं अभी, जी को 2 प्लस एक्स ले चुका हूं तो जी की जगह 2 प्लस एक्स डाल दूं यहां पे, ये देखो एंड आएगा यहां पे, एंड 0 2 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 2, क्लियर है। नेक्स्ट इसी ब्रांच में डेफिनेशन, जी एक्स को 2 माइनस एक्स लें इस बार, जब 2 माइनस एक्स लिया मैंने एक्स देखा, एक्स दिख रहा है मुझे 0 से 3, एंड जी एक्स कैसा है, सॉरी इस ब्रांच की बात हो रही है ना अभी, तो इसी ब्रांच पे चल रहे हैं, यहां जी की डेफिनेशन क्या आ चुकी है 2 माइनस एक्स, तो जी की जगह क्या डालेंगे 2 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 2, क्लियर है। अभी हम इन दोनों को डिफाइन कर चुके हैं इस ब्रांच के साथ, अब इस ब्रांच के साथ डिफाइन कर लें, जी माइनस 3 मीन्स 2 प्लस एक्स माइनस 3, ध्यान से देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, समझ में आएगा तभी क्वेश्चन आगे होंगे, वरना ये समझ में आसानी से नहीं आता है, मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ें ध्यान रखें बस, क्लियर है। मैंने जी को लिया अभी के लिए 2 प्लस एक्स, तब मैंने देखा एक्स कैसा था बच्चों, माइनस 1 से 0, क्लियर। एंड जी की डेफिनेशन अभी क्या आ चुकी है 2 प्लस एक्स, तो ये वाली ब्रांच जब आप खोल रहे हो जी की जगह क्या डाल दोगे 2 प्लस एक्स लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 2, क्लियर ऐसा होगा। नेक्स्ट इसी में ये वाली डेफिनेशन ले रहा हूं 2 माइनस एक्स माइनस 3, इसके लिए मैंने देखा x मेरा है 0 से ये 3, एंड अभी जी एक्स की डेफिनेशन बच्चों 2 माइनस एक्स हो चुकी है, 2 माइनस एक्स लेस देन 4 ग्रेटर देन 2, ये डिफाइन, यहां तक डिफाइन करना आपको समझ में आना चाहिए, यहां तक डिफाइन करना हमें समझ में आया। अब मैं देखता हूं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इन दोनों इंटरवेल्स में से कॉमन पार्ट हमें निकालना होता है क्या, जब दो इनइक्वालिटीज दी जाए आपको और एंड के साथ दी जाती हैं तब आप उनका कॉमन पार्ट निकालते हैं क्या, तो चलिए मैं इनका कॉमन पार्ट निकालने के लिए मैं इस इनइक्वेशन को क्या लिखूं, देखो 2 इधर जाएगा और 2 इधर जाएगा, या 2 सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से, इसमें से मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे ये क्या दिखेगा, देखो 2 सब्ट्रैक्ट किया होगा माइनस 2 ये बन जाएगा एक्स, और इधर 2 सब्ट्रैक्ट किया हो तो ये आएगा 0, माइनस 2 टू 0, क्लियर है। 0 पे इक्वेलिटी है, माइनस 2 से 0, क्लियर है। अब आप ध्यान दीजिए, माइनस 1 से 0 और माइनस 2 से 0 कॉमन पार्ट क्या निकलेगा, माइनस 1 से 0 और माइनस 2 से 0, यहां पे एफ एक्स को इधर लिख रहे हैं अब अपन, फोग को, सॉरी फोग एक्स को मैं इधर लिख देता हूं, क्लियर है। ये डेफिनेशन देखो 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बना, और इधर एक्स का क्या पार्ट कॉमन आया, माइनस 1 से 0 माइनस 2 से 0 एक्स आया होगा माइनस 1 से 0, यही वाला रेंज दिखा होगा आपको माइनस 1 से 0, क्लियर है। नेक्स्ट इस ब्रांच पे आ जाएं, इस ब्रांच पे मैं आ रहा हूं, पहले कॉमन पार्ट ढूंढूं, 0 से 3 था, इधर देखें इधर क्या होगा, ये जो x था ना बच्चों मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे, क्योंकि माइनस x था, या पहले अपन 2 को दोनों साइड भेज दें, माइनस 2 2 उधर गया होगा 0, देखो क्या दिखा माइनस 2 माइनस x 0, क्लियर है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इन इक्वेशन का साइन चेंज होगा, माइनस से जब मल्टीप्लाई किया होगा इन इक्वेशन का साइन चेंज होगा,
ये साइन इधर आएगा, माइनस हटेगा इधर, ऐसा होगा। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ रही है। मैंने देखा 0 से 2, 0 से 3, 0 को इंक्लूड नहीं किया है, यहां नहीं किया है, यहां किया है, पर कॉमन निकालना है तो आपको इंक्लूड नहीं करना होगा। क्लियर है, तो मेरा जो फाइनली आंसर आएगा वो कैसा आएगा बच्चों, x लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 0। अगर कॉमन निकालना आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप ग्राफ बना के देख सकते हैं कैसे। देखिए मुझे ये मैंने ग्राफ बनाया, ये 0, ये 3 और ये 2, ये मुझे बोल रहा है कि 0 से 3 ऐसा कुछ, 0 को शामिल नहीं, 3 को शामिल किया, ये बोल रहा है 0 को शामिल कीजिए, है ना, ये शामिल किया और अब चलिए 2 तक, 2 को भी शामिल करना है, पर कॉमन जब मैं देखूंगा तो देखो 0 इसमें नहीं था, ये पार्ट कॉमन आएगा क्या, तो मैंने लिख दिया कॉमन पार्ट 0 से 2। डेफिनेशन इसकी देख लीजिए, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, माइनस 1 प्लस एक्स, ये समझ में आया। नेक्स्ट इस ब्रांच की बात करें, फिर से मैं 2 को दोनों साइड, 2 इधर आया होगा 0 बना होगा, उधर जाएगा 2 बनेगा, तो ये क्या दिखेगा आपको, x लेस देन 2 और ग्रेटर देन 0। क्लियर है, माइनस 1 से 0, 0 से 2, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखो ये जहां आके खत्म हुआ है वहां से चालू हो रहा है और उस पॉइंट को भी इंक्लूड इसने नहीं किया है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इधर मुझे मिला होगा x बिलोंग्स टू 5 और ये क्या दिखेगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस x। अब देखिए ध्यान देने की बात क्या है, फंक्शन की ये डेफिनेशन x के किस वैल्यू के लिए है, 5, कुछ है ही नहीं। x के किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन का डेफिनेशन ऐसा नहीं होगा, मतलब फंक्शन के डेफिनेशन में आप ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। अब क्लियर है, लास्ट पार्ट देखें, यहां भी मैंने देखा, यहां देखा ये माइनस था, इधर आया होगा 0 2 0 माइनस x 2, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चों, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ऐसा कुछ बनेगा, माइनस 2 से 0 एंड 0 से 3, फिर से कोई कॉमन नहीं है, यहां भी x बिलोंग्स टू 5। क्लियर है, और डेफिनेशन क्या बनेगी आपकी, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस x माइनस 1 माइनस x। देखो ये दोनों पार्ट आपको फंक्शन में नहीं लेने हैं, क्योंकि इनके लिए फंक्शन का, फंक्शन के लिए कोई, फंक्शन के डोमेन में ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जहां पे ये डेफिनेशंस आए, और ये डेफिनेशंस आ चुकी हैं ऑलरेडी। क्लियर है, तो आपका जो फाइनली फंक्शन मिला ना वो कितना सा पार्ट मिलेगा हमें, ये 4x की डेफिनेशन ये वाली आपको मिल जाती है। क्लियर है, इसी डेफिनेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं देखिएगा, इस डेफिनेशन को मैं फोग एक्स को ऐसा लिख दूं क्या, माइनस 1 दिख रहा है और ये देखिए माइनस 1 प्लस मोड एक्स, वेर एक्स जो होगा ना आपका वो होगा माइनस 1 से 2। क्लियर है, माइनस 1 से जब 0 लेंगे मॉड्यूलस माइनस खुलेगा, ऐसा बनेगा, जब 0 से 2 की बात होगी मॉड्यूलस पॉजिटिव खुलेगा, और ये ऐसा डेफिनेशन आपको दे देगा। तो फाइनली आप फोग को ऐसा भी लिख सकते हैं, या ये लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, फटाफट से कॉपी करें, मैं इसी का एक और मेथड आपको बताने जा रहा हूं। चलिए लिखिएगा मेथड टू, चाहे तो आप इसे ग्राफिकल मेथड भी बोल सकते हैं, ग्राफिकल मेथड, ग्राफ का यूज करके मैं डिफाइन करूंगा फंक्शन को, मैं फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज करूंगा किसका, ग्राफ का। देखिए जब आपको f(g)x डिफाइन करना है तो
तो मैं इसे पहले जैसे आपने डिफाइन किया था वो कर लेते हैं ना, वन माइनस जी जीरो जी टू, क्लियर है, जी माइनस थ्री टू जी फोर। एंड अब आप जो ग्राफ बनाएंगे ना बच्चों, वो ग्राफ बनाएंगे किसका, जी एक्स का। आप ग्राफ बनाइए किसका, जी एक्स का। जी एक्स का आपको बनाना है ग्राफ, क्लियर है। जी एक्स का मैं ग्राफ बनाता हूं, देखिएगा, ये जी एक्स का जो ग्राफ आएगा आपका वो माइनस वन से थ्री मुझे दिख रहा है, तो ये माइनस वन में लाइन ले लेता हूं यहां पे, एक्स इक्वल टू माइनस वन, और इधर कहीं एक्स इक्वल टू थ्री आया होगा, इसी बीच में मेरा ग्राफ आना है क्योंकि डोमेन मेरा यही है जी एक्स का, क्लियर है। चलें, आपको लाइन बनानी है y इक्वल टू टू प्लस एक्स, y इक्वल टू टू प्लस एक्स, बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं क्या, x को मैंने जीरो पकड़ा होगा, y आपको क्या दिखेगा, टू, ये देखो 0.2 पे y एक्सिस को काटेगी, क्लियर है। जब आपने किसको y को जीरो लिया होगा, ये x एक्सिस को माइनस टू पे, मतलब यहां कहीं काटा होगा, देखो माइनस टू कोमा जीरो, ये लाइन ज्वाइन करके बना दे, इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन बना दो स्ट्रेट, ये ऐसे बनेगी लाइन, ये आपकी लाइन हो गई क्या, y इक्वल टू, मतलब इस जगह आपका जो g है ना, जी एक्स, वो क्या दिख रहा है, टू प्लस एक्स। अब मुझे बनाना है 2 माइनस एक्स, स्लोप नेगेटिव दिख रहा है, मतलब लाइन ऐसी कुछ बनेगी, क्लियर है, ऐसा कुछ लाइन बनेगा। देखो इसने y एक्सिस को कहाँ काटा होगा, आप x को 0 रखें, वही 0.2 यही पॉइंट, x को 2.0, ये 3 था, 2 यहाँ कहीं आया होगा, 2.0, ये लाइन मैंने ऐसे बना डाली, क्लियर है, बना अभी तक। अब देखो मुझे लेना है ग्राफ कहाँ से कहाँ, माइनस वन से टू में, माइनस वन से टू में जब मैं बात करता हूँ, माइनस वन से टू में जब मैं बात करता हूँ, तो ये माइनस वन से मेरा टू हुआ, क्लियर है। तो मतलब आपको फोटो जो दिखेगा ना बच्चों, मैंने उस पार्ट को, इसके को डैश डैश बना दिया जो मेरे डोमेन में नहीं है, ये देखो ये सारा पार्ट फंक्शन के डोमेन में नहीं था, मैंने इधर देखा 0 से 3 में 2 माइनस एक्स, ये 0 से 3, इसी में सिर्फ हमें कंसीडर करना है, बाकी को आप क्या कर दें, हटा दें, क्लियर है। मतलब अभी जो मेरा पार्ट हुआ ना काम का, वो मेरा सिर्फ पार्ट आ रहा है ये वाला, ये देखो, ओ यहां तक आएगा, सॉरी यहां तक, क्लियर है, ये माइनस वन से 0, मतलब ये पार्ट हमारे काम का है, अभी ये पार्ट आपके काम का है। अब देखें, ध्यान से देखिएगा कैसे मैं फोक को डिफाइन करूंगा, फोक को डिफाइन कैसे करूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो मैंने देखा यहां पे, ये जो डिफाइन किया ना आपने, उसमें चलिए आप, इसमें देखिए आप कि आपका जो ग्राफ है किसका, जी का, वो 0 से 2, वो 0 से 2 कहां दिख रहा है आपको, फंक्शन का जो रेंज होना चाहिए वो 0 से 2, ये देखो 0 2, 0 से 2 तक बात की मैंने, ये मेरा यहां आके खत्म हो जाएगा, इसे स्ट्रेट कर देते हैं हम, मतलब मेरा जो पार्ट है वो मुझे ये वाला दिखा, इस रेंज में ये 0 से 2 दिख रहा है, क्लियर है। अब 0 से 2 तो मैंने पकड़ लिया, जी एक्स मेरा होना चाहिए 0 से 2, और जी एक्स होना चाहिए 2 से 4, 2 से 4 में तो मेरा कोई ग्राफ है ही नहीं, तो ये वाली ब्रांच तो आपकी इलिमिनेट हो चुकी है, क्योंकि 2 से 4 आपका ग्राफ नहीं दिख रहा है, ये तो डैश है, मतलब इधर ग्राफ नहीं है, 0 से 2 में मेरा ग्राफ था, क्लियर है। अब देखें, जब आप इसे डिफाइन करेंगे ना फोग एक्स को, कैसे लिखिएगा देखिएगा, ये वाली ब्रांच तो गई खत्म, इस ब्रांच को डिफाइन करना है सिर्फ जब जी आपका 0 से 2 था, ये 0 से 2। अब इसके अंदर भी आपको देखो ये ब्रांच अलग है, माइनस वन से 0, ये लाइन माइनस वन थी क्या, माइनस वन से 0, माइनस वन से 0, जब आप माइनस वन से 0 चलेंगे, आपकी डेफिनेशन 2 प्लस एक्स आ रही थी,
क्लियर है? जब आप 1 से 2 चलेंगे तब आपकी gx की डेफिनेशन आ रही है 2 माइनस एक्स, क्लियर है क्या? क्लियर है? देखो मैं इसे कैसे लिख रहा हूं, माइनस 1 से 0, माइनस 1 से 0, gx की जो डेफिनेशन है वो 2 प्लस एक्स है, तो 1 माइनस 2 प्लस एक्स, क्लियर है? 0 से 2, क्लियर है? ये 0 से 2 डेफिनेशन मुझे क्या दिख रही है, 2 माइनस एक्स, 1 माइनस 2 माइनस एक्स, ऐसा ही कुछ दिख रहा है क्या? इसके अलावा इस ब्रांच में मुझे 2 से 4 तो जी दिख ही नहीं रहा है ना, ग्राफ ही नहीं है। अगर यहां होता तो मैं यहां भी डिफाइन करता फिर, क्लियर है? 2 से 4 आपका ग्राफ नहीं था, इसलिए मैंने इस ब्रांच को हटा दिया, सिर्फ ये डिफाइन ये आपको दिखेगा। अब इसे आप डायरेक्टली लिख लें कैसा दिखेगा, देखे 1 माइनस माइनस 1 माइनस एक्स, कब एक्स माइनस 1 से 0, माइनस 1 प्लस एक्स, कब 0 से 2, आंसर मैच कर लें क्या? दोनों केस में आंसर सेम आ रहा है, पिछले वाले में और इसमें, क्लियर है? बहुत ध्यान से समझना है। एक और क्वेश्चन में आपको ग्राफिकल मेथड से करके दिखाऊंगा, लिखें फटाफट। आइए देखें, लिखा आपने, अब देखो बच्चों मैं क्या करने वाला हूं, ये जो फंक्शन है ना इसमें आपको डिफाइन करना है, डिफाइन करना है इस बार आपको f(x), क्लियर है? ग्राफिकल मेथड से मैं आपको बताऊंगा, तो मैं f(x) कैसे लिख पाऊंगा, देखो x की जगह क्या बिठा देना है, f, f प्लस 1 व्हेन f लेस देन इक्वल टू 1, f ग्रेटर देन 1, तब आपका क्या दिखेगा, 5 माइनस f स्क्वायर। ग्राफ किसका बनेगा, fx का, fx का ग्राफ बनाते हैं, चलिए आ जाए, ये fx का ग्राफ हम बना रहे हैं। fx का ग्राफ जब x 1 से छोटा, x इक्वल टू 1 लाइन, 1 से बड़े में ये बनेगा क्वाड्रेटिक और इधर लाइन बनेगी लीनियर, क्लियर है? चलिए x प्लस 1 मुझे बनाना है, y इक्वल टू x प्लस 1, स्लोप है 1, y इंटरसेक्ट 1, ये देखो 0,1 पे इंटरसेक्ट करके ऐसे कुछ लाइन बन जाएगी, ये यहां लेता हूं थोड़ा छोटा, ये ऐसे कुछ बन गई ये लाइन, और ग्राफ सिर्फ किस पार्ट में आएगा, 1 से पीछे, मतलब मैं इस पार्ट को आगे वाले पार्ट को हटा देता हूं, 1 को शामिल किया हुआ है, मतलब ये पॉइंट ऐसा कुछ दिखेगा आपको, क्लियर है? ये पॉइंट था आपका 0,1, क्लियर हुआ? क्योंकि मुझे देखो f को भी देखना है बच्चों, f 1 से छोटा 1 से बड़ा, ये f 1 से बड़ा दिख रहा है आपको कब, इस पार्ट में 1 से छोटा इधर दिख रहा है, क्लियर है? बात समझ में आ रही होगी? नेक्स्ट मैं बात करूं मतलब इस ब्रांच की, 5 माइनस एक्स स्क्वायर, पैराबोला नीचे बनेगा, डाउन डाउन बनेगा क्या, क्लियर है? मुझे बस देखो अगर इस पैराबोला को आप देखेंगे ना तो इसका रूट आएगा प्लस माइनस रूट 5, ये 2 कहीं होगा, 2 से जस्ट बड़ा इसका रूट होगा, क्लियर है? और वर्टेक्स की मैं बात करूं, इसका जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स मतलब माइनस बी अपॉन 2a कोमा माइनस डी अपॉन 4a, माइनस बी अपॉन 2a कोमा माइनस डी अपॉन 4a, या फिर डायरेक्टली मैं ये देखूं ना कि मेरा ये पैराबोला x इक्वल टू 1 को कहां कट करेगा, x को 1 डालें 4 पे, ये देखो 4 पे ये जब लाइन जाएगी, x 1 डालेंगे तो ये 2 था, ये पॉइंट था आपका 1,2, और ये पॉइंट आया होगा 1,4, और इस पॉइंट को शामिल नहीं करना है पैराबोला के लिए, ये शामिल नहीं होगा, देखो पैराबोला ऐसा कुछ बना होगा ये, क्लियर है? पर हमें इस ऐसा नहीं, ये ऐसा बनेगा ऐसा कुछ, पर हमें सिर्फ इसका ये वाला पार्ट कंसीडर करना था, जब मेरा एक्स कैसा हो, 1 से बड़ा, तो मैंने ये वाला पार्ट हटा दिया होगा, क्लियर है? दिखा अभी। अब बच्चों अब बात करते हैं हम, मैं यहां से
बढ़ना स्टार्ट करता हूँ। अभी आपको एफ ऑफ एक्स डिफाइन करना है। चलिए जब मैं देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एफ मेरा कैसा चाहिए, वन से छोटा। ये देखो y इक्वल टू वन लाइन ये है क्या, वन से छोटा मतलब ये पार्ट और ये पार्ट, क्लियर है। जब मैंने बात की इस पार्ट की, डेफिनेशन मेरी क्या थी, x प्लस वन, यहां डेफिनेशन है x प्लस वन, यहां है 5 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो माइनस इंफिनिटी टू जीरो, जब x माइनस इनफाइनाइट से जीरो रहा होगा, ये जीरो माइनस इनफाइनाइट से जीरो, तब आपकी डेफिनेशन थी x प्लस वन, क्लियर है, x प्लस वन। और f कैसा था, वन से छोटा, मतलब ये डेफिनेशन चलेगी। अभी मैं इस ब्रांच को खोल रहा हूं, क्लियर है। इस ब्रांच के लिए देखें x प्लस वन बैठेगा f की जगह, और उस पार्ट में x कैसा आएगा, माइनस इनफाइनाइट से जीरो, क्लियर है। x की जगह यहां क्या बैठेगा, x प्लस वन, एक्स प्लस वन, मतलब ये क्या बना होगा, x प्लस वन प्लस वन, क्लियर है, समझ में आया। आगे बात कर लें, ये टू से इनफाइनाइट एक्स आया होगा, या फिर हम यहीं देख लेंगे कंप्लीटली, जीरो से वन की बात कीजिएगा, जीरो से वन, जब एक्स आपका जीरो था और ये वन को इधर इंक्लूड करना है, जीरो को चाहे जही जिधर कर लें आप, है ना भाई। चलिए यहां पे डेफिनेशन क्या है, यही है, पर f कैसा है इस बार, वन से बड़ा है, मतलब डेफिनेशन ये वाली जाने वाली है, यहाँ पे क्या बैठेगा, x प्लस वन, तो ये क्या दिखेगा, 5 माइनस x प्लस वन का होल स्क्वायर, क्लियर है। नेक्स्ट, वन से ये पॉइंट क्या है आपका, सॉरी कहाँ तक लेना है मुझे, ये पॉइंट आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना बच्चों, ये पॉइंट मुझे ढूंढना पड़ेगा। इस जगह आपका y कैसा है, y कैसा है, 1, तो आप y को 1 डालें यहाँ पे, ये क्या मिलेगा, 4, ये पॉइंट देखो 4 कोमा सॉरी मैंने किसे y को 1 डाला, तो x 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, ये 2 x मिलेगा 2, तो 0 से 1 से 2 सॉरी 1 से ये 2, 1 से 2 में आपको डेफिनेशन जो दिखेगी ना, वो दिखेगी 5 माइनस एक्स स्क्वायर, और f कैसा है, 1 से बड़ा, तो यहाँ 5 माइनस ये 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब 2 से इनफाइनाइट, ये 2 से इनफाइनाइट क्या दिखेगा, 2 से इनफाइनाइट में फोटो कैसा दिखेगा, फिर से यही ब्रांच पकड़ लिया हमने, f 1 से छोटा है, देखो यहाँ पे f 1 से छोटा है और डेफिनेशन है 5 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा कुछ होगा। अब ये आप खोल सकते हैं, ये तो आप डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे आपने f ऑफ x को डिफाइन किया, क्लियर है, बात समझ में आई, लिखें। चलिए ये क्वेश्चन बच्चों आप होमवर्क के लिए लिख लें आपके, ये क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट करके एक पॉइंट लिखिएगा आप, लिखें फर्स्ट पॉइंट, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू इंजेक्टिव इंजेक्टिव फंक्शंस, देन देन कंपोजिट फंक्शन विल बी इंजेक्टिव। देखो आपको क्या बोला हुआ है, एफ और जी आपके दो वन वन फंक्शन है, इंजेक्टिव का मतलब हम जानते हैं वन वन फंक्शन है, तब आपको बोला हुआ है, तब आपका जो कंपोजिट फंक्शन होगा, आप इन दोनों से कंपोजिट बनाए, फोक बनाए या गोप बनाए, वो भी कैसा होगा बच्चों, वन वन होगा, क्लियर है, वो भी कैसा होगा, वन वन होगा। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर
टू बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव का मतलब आप जानते हैं क्या, वन वन एंड ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन. देन देन कंपोजिट फंक्शन, देन कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विल बी, कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विल बी बाइजेक्टिव इफ रेंज ऑफ जी एक्स विल बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ एक्स. देखो सिंपली इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके एफ और जी कैसे फंक्शन लिए हैं, बाइजेक्टिव वन वन और ऑन टू, तो आपका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी कैसा होगा, बाइजेक्टिव होगा. उसके लिए कंडीशन है, अंदर वाले फंक्शन की जो रेंज होगी वो बाहर वाले फंक्शन के डोमेन का सबसेट होना चाहिए. मतलब सीधी सी बात है, ये जी एक्स जो आपको आउटपुट में देगा ना, वो एफ एक्स के इनपुट में तो जाए, है ना, वो एफ एक्स के अंदर डलने तो चाहिए. अब वो कब डलेंगे, जब वो इसके डोमेन के सबसेट होंगे. क्लियर है क्या? तो ये कंडीशन नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन है. क्लियर है, आपको दो फंक्शन बाइजेक्टिव दे दिए जाए, तीसरा भी बाइजेक्टिव होने के लिए ये कंडीशन है. अगर दो वन वन है तो उनका कंपोजिट भी वन वन होगा. क्लियर है, लिखे फटाफट से एक क्वेश्चन. चलो मैं आपको, हाँ चलिए लिखिए पहले. आइए, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एफ एक्स दिया गया है ऐसा कुछ आपको, एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ कंपोजिट फंक्शन एक बनाना है संयुक्त फलन, जिसमें f कितने टाइम्स, जैसे तीन फंक्शन का कंपोजिट बनता है, चार का बनता है, दो का बनता है f ऑफ g, g ऑफ f, वैसे कितने टाइम्स, 2017 बार आपको लेना है. ये फंक्शन आप डिफाइन करके देखें, आप खुद से ट्राई करें. ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में इसे डाल देता हूँ. क्लियर है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसे आपको सॉल्व करके दे दूंगा. क्लियर है, आप लिखें और ट्राई करें, लिखें.